पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या सदन में हमारे जो पूर्वज थे वो क्या उनको ज्ञान नहीं था? क्या राष्ट्रप्रेमी नहीं थे वो? क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई होगा जिसने अपना बलिदान देकर देश को आजाद किया, जेलों में रहकर अंग्रेजों की डंडे खाकर देश को आजाद किया? वो उसको देश प्रेम नहीं था? वो राष्ट्रगान नहीं जानते थे क्या? राष्ट्रगान कोई आज की लिखी हुई चीज है? तो मैं कह रहा हूँ जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों की हैं उन परंपराओं को स्थापित रखना चाहिए। लेकिन जब बचाइए, जब देश की बात होती है तो इसमें गाने में क्या हर्ज है? अच्छा, आपको मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये बात बताइए कि गाना जरूरी क्यों है? ये बता दीजिए तो मैं कह दूंगा। नहीं, ये क्या मामला? हर एक आदमी का अनेक अनेक पसंद है। एक दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। आप कहिएगा कि सारे लोग इसी कोट और पैंट में क्यों नहीं आए? सारे लोग क्यों नहीं आए आपके? सारे लोग इसी अंदाज में आना चाहिए था। हर का शौक अलग अलग है। नहीं, लेकिन एक तो देश के लिए राष्ट्रगीत, देश के लिए तो मैं कहता हूँ मातृ वतन जिंदाबाद, मातृ वतन जिंदाबाद, मातृ वतन तुझ पर 100 बार कुर्बानी, तो मैं कहता हूँ राष्ट्रगीत से भाई उससे क्यों जरूरी है वो राष्ट्रगीत? आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना चाहिए। आपको एमआईएम के नेता ही को बात मत कहिए। आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना? मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल। आपत्ति क्या मुझे? मैं मातृ वतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? मैं मातृ वतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है?